यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड यू डब्ल्यू ब्रिस्टल ही क्यों चूज करनी चाहिए Uwe Bristol भी जा रहे हैं तो आप की बायोमेडिकल में और एरोल एरोल के अंदर भी जो है और ये वाले कोर्सेस जल्दी नहीं मिलते यूके अंदर अब मैं भी ये देखता हूँ की बच्चे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं जबकि अगर वो अपनी नीच में रहे तो यहाँ पर उनके पास स्कोप ज्यादा एक्सेल करने का ग्रो कर करना अपना एक बहुत करीबी दोस्त है बचपन का मेरा क्लास फेलो भी है वो भी यू डब्बू ब्रिस्टल में एल एल एम का तो उनसे जो मुझे फीडबैक मिला है वो ये कहते थे ब्रिस्टल इज़ अ वेरी गुड सिटी तो आपको वो डिग्री भी मिल जाती है प्लस आपको पी में आपको ऑप्शन मिल जाती okay. है आपकी आप, आप वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और डिग्री भी जॉब कर सकते हैं मैं रेंट देख रहा था एक रैकेट का रेंट जो है फिफ्टी सेंट्स अच्छा। account, आप खेलें और रेड को आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी ना लें अच्छा एरिया yeah. को, ले का भी एक अपना ही बेनिफिट होता है वाँ। exactly. मिले लंडन में बहुत महंगी कॉम्पिटिशन है एक्जैक्टली तो, exactly. लॉम्पिटन बहुत महंगी है फॉर अंडर ग्रेजुएट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट देर इज नो एनरोलमेंट फी अमेजिंग ब्रिस्टल का ये फीडबैक तो मैं ऑन एयर कहता हूँ कि हर बच्चे ने मुझे बोला कि सर यहाँ पर जॉब्स जॉब्स मिल जाए इसका पेमेंट प्लान क्या है इंस्टॉलमेंट प्लान किया जो कि अक्सर बच्चों का कंसर्न होता है कि भाई पे कैसे करनी है फिर डिपॉजिट किया है एनरोलमेंट किया इंस्टॉलमेंट किया है You both. Both. आप टेन इंस्टॉलमेंट्स तक जा सकते हैं टेन इंस्टॉलमेंट्स अमेजिंग सही है अराउंड टू मिलियंस विल बी टचिंग

मोटिवेशन <coughs> मिलेगा मोटिवेशन मिलेक एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ अजीम कासिम फाउंडर का ना हूँ ग्रुप ऑफ कंपनीज कंपनीज ग्रुप ऑफ वी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी ब्रॉड इमिग्रेशन करियर काउंसलिंग जैसा कि आप लोगों को पता है कि वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट वेर वी आर इन्वाइटिंग डिफरेंट कंट्री हेड्स कंट्रीचर मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और हम उनसे रियल टाइम जो है ना वो एक्सपीरियंस पूछते हैं यूनिवर्सिटी का और उनसे जो है हम इंफॉर्मेशन uh, लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में और ताकि आप एक आपबाइस uh, आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं ताकि आप डिफरेंट uh, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करके जो बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी आप उसको चूज़ कर सकें तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े ख़ास हैं एक तो वो वकील हैं मेरी फर्टर्निटी में से है और उनका जो एक्सपीरियंस है बड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस है उनके पास वो यूरोप भी रह चुके हैं यू के से उन्होंने स्टडी भी की है अपनी और वहाँ से उन्होंने बाल भी कम्प्लीट किया अपना और आ, प्रैक्टिस भी की है उन्होंने लॉ की तो मिसाल उनकी बॉन्डिंग भी है बींग अ लॉयर भी और वैसे भी तो आज हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं गेस्ट उनका नाम है कामरान अरशद कामरान अरशद साहब जो है ना बेसिकली वो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है और हेड ऑफ़ कम्पलाइंस भी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड ब्रिस्टल के यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड जो ब्रिस्टल है वो पिछले कोई चार पाँच साल में बहुत पॉपुलर हुई है पाकिस्तान के अंदर ड्यू टू नंबर ऑफ़ रीजंस और उसमें एक रीज़न लॉ की भी है कि उनके जो लॉ के कोर्सेज हैं बहुत फेमस हैं तो आज हम कामरान भाई से डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको मिलवाता हूँ आज के गेस्ट से कामरान भाई से असल वाईक अजीम भाई कैसे हैं आप ठीक है सर जी क्या आप सुने स्पेशा थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया अपनी uh, मशूसियत में से आई नो कि आप बिजी हैं एनी टाइम थैंक यू सो मच तो uh, मैंने थोड़ा सा वैसे आपका इंट्रोडक्शन तो करवाया है कि आप रिक्रूटमेंट uh, को भी देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड के अंदर और को भी देख रहे हैं सर तो थोड़ा सा ज़रा अपना कुछ लेडीज़ के बारे में बताएं कि आपका एग्जैक्ट रोल है क्या यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड के अंदर जी थैंक यू सो मच जी फॉर द इंट्रोडक्शन एंड हैविंग मी

फ्री कैस इंटरव्यूज और क्रेडिबिलिटी कैसे इंटरव्यूज लेते हैं, करते हैं कामरान जो प्रिपरेशन तो... है, है, exactly. आप करवाते हैं वो, वो लैक नहीं करता हाँ ये चीज़ तो है वैसे अच्छा कामरान भाई आपका एक्सपीरियंस यूरोप का भी है आप बेल्जियम में काफी अर्सा रहे हैं और आपने यूके से भी अपनी डिग्री कंप्लीट की है कुछ क्वालिफिकेशंस आपकी यूके से भी हैं तो आपके पास पाकिस्तान तो खैर आपका होम टाउन है ही है और भी मल्टीपल डेस्टिनेशन में आप रह चुके हैं आपके पास एक जो है ना वो डाइवर्स एक्सपीरियंस है यू का भी पाकिस्तान का भी यूरोप का भी तो हाउ यू सी यू मार्केट फ्रॉम अ आस्पेक्टिव ऑफ़ अ स्टूडेंट के स्टूडेंट को यू की जो है वो यू के क्यों चूज़ करना चाहिए यू के एज़ कम्पेयर टू यूरोप कैसे बेहतर है यू के क्वालिफिकेशन कैसे बेहतर है, है? लाइफ उसकी सही है इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें सर बिल्कुल अजीम साहब देखें वही कॉमनवेल्थ कंट्री सही है, है बिल्कुल आ, ही है। हमारा ताल्लुक इट गोज वे बैक एटीन फिफ्टी सेवन से हम हिस्ट्री को देखें आज से लोग नहीं जा रहे यूके जब शिफ्ट चलती थी अठारह 70 सत्तर में तब भी जिनाजा

बड़े लिटरेस इवन uh, मेरे ख्याल से जो इंडियन uh, है राइटर बंगाली बहुत बड़े जिनको नोबल प्राइज भी मिला नोबल ऑरिएट ही वाज मेरे दिन में नाम नहीं उनका ना आ रहा जी uh, हाँ वो थे मेरे दिन में नाम याद नहीं आ रहा आज सो इस तरह के लाइक दे सेवल नेम इवन के हमारे जो पाकिस्तान की भी जो आपके हाई

अच्छा क्या भाई लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड यू डब्ल्यू ब्रिस्टल की बात करते हैं देर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन यू के सही है वन थर्टी प्लस एंड उसमें भी हम सेंटर्स ऐड कर लें और प्राइवेट ऐड कर लें तो वो वन सिक्सटी तक क्रॉस कर जाते हैं सही है तो वाई स्टूडेंट शुड पिक

सर्टिफिकेशन uh, लेनी है पता है हमारा कोई भी सौ में भी नहीं पाँच नहीं 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 सौ तो तो। वो उसका डिपार्टमेंट है पूरी यूनिवर्सिटी नहीं आता वहाँ के आपके ख्याल में वहां पे आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नहीं जा रहे हैं तो आप यूडब्ल्यू डब्ल्यू भी जा रहे हैं तो आप वहाँ की फोर्टी थर् नंबर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं

बच्चे को भी हेल्प होती है कि उसके वीजा जो है तो उसका कंप्लायंस बहुत चांसेस है कि उसका इंटरव्यू नहीं आएगा। सही हो गया उसी कंप्लायंस में वो इतना गौर नहीं करेंगे बिकॉज उन्होंने उसको आउटसोर्स किया एंड ट्रस्ट द यूनिवर्सिटी की जी और इसने अपना काम पूरा किया होगा ठीक फिर हो इसकी इस साल जो एनरोलमेंट थी की दो हजार तेईस की सॉरी साल की नहीं वो तीस हजार के लगभग स्टूडेंट्सिविवर्सिव यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है सो मैं यही कहूंगा फिर सबसे बड़ी बात इसकी रैंकिंग रैंकिंग जिसकी मैंने आगे भी जिक्र किया अभी दरमियान में फोर्टी थर्ड इन यूके है और ये फोर्थ इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड साउथ ऑल रीजन साउथ सही है पूरे रीजन के अंदर चौथे नंबर चौथे नंबर पे है और कुछ अच्छी रैंकिंग है बहुत अच्छी रैंकिंग हुँ. है जी

Uh, मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं उस तरह आगे रिक्रूट होते इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के वो बहुत जाएंगे भी तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जाते हैं अब मैं भी ये देखता हूँ कि बच्चे ज्यादा ना इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं जबकि अगर वो अपनी नीच में रहे तो यहाँ पर उनके पास स्कोप ज्यादा एक्सेल करने का ग्रो वो अंडर ग्रेजुट के बाद जा सकते हैं चार साल की जो डिग्री है इंजीनियरिंग की डायरेक्ट इंजीनियर बन सकते हैं अब तो प्राइवेट कॉलेजेस के के साथ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आपको वही कॉस्ट पड़ रही है जो आपको बाहर पढ़नी है बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और डिग्री, डिग्री, आप डिग्री है आपने अच्छी डिग्री हासिल करनी है और अगर वही कॉस्ट उससे बल्कि कम कॉस्ट लगा यूके जाते हैं तो आपको वो डिग्री भी मिल जाती है प्लस आपको पी में आपको ऑप्शन मिल जाती है आप भी आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और डिग्री भी जॉब कर सकते हैं पिछले पांच छह सालों में मेरे पास ऐसी हजारों सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ बच्चों ने अपनी जो है ना वो जॉब जो है ना वो यूके में कंटिन्यू की है स्टडी exactly. के बाद एंड दे आर नाउ सेटल्ड इन द यूके के अच्छा आ, ये तो हो गई बात यूनिवर्सिटी के हवाले से अच्छा अब आपको पता है कि यूके में ना लोकेशन के ऊपर बड़ा फोकस कर जी क्योंकि वहाँ पर हमारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम्यूनिटी है पाकिस्तानी मुस्लिम mm. कम्यूनिटी है और यूके को सैकंड पाकिस्तान भी कहते हैं मिनी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं इसलिए वहाँ पे बड़ा फोकस किया जाता है कि भाई इस एरिए में जाना है उस एरिया में जाना है अच्छा अब यू डब्ल्यू जो है ना वो ब्रिस्टल में लोकेटेड है ब्रिस्टल इज़ अ सिटी इन द साउथ वेल्स जी अच्छा अब जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी मैं अब हमारे ओपन हॉस्टल रहे थे तो वहाँ पर भी जो बच्चे मुझे मिले और जो इवन के मेरा अपना एक बहुत करीबी दोस्त है बचपन का मेरा क्लास फेलो भी है वो भी यू डब्ल्यू ब्रिस्टल में एल एल एम का तो उनसे जो मुझे फीडबैक मिला है वो ये कहते थे ब्रिस्टल इज़ अ वेरी गुड सिटी यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं यहाँ पे अकोमोडेशन सस्ती है तो आपका क्या इसके अंदर जो है ना वो स्टांस है हाउ यू सी ब्रिस्टल एज अ सिटी डेस्टिनेशन ब्रिस्टल को कैसे आप जो है ना वो देखते हैं एज अ सिटी जी एज अ सिटी देखिए ब्रिस्टल सबसे बड़ी बात है एक बड़ी ग्रीनेस्ट सिटी इसको अवार्ड मिला था दो हज़ार बाईस में अच्छा ग्रीनेस्ट सिटी सिटी का अच्छा दूसरी बात है कि किसी भी इंडस्ट्रियल स्टूडेंट के लिए ट करना किसी भी नए शहर में जाके खास तौर पे एक फॉरेन लैंड में थोड़ा सा मुश्किल होता है मुश्किल तो होता है ऐसे बंदे चाहिए होते हैं अपने डायस्पोरा के अलावा भी कि से एक मैं हूं मैं एज स्टूडेंट पाकिस्तान से गया हूँ वेस्ट अफ्रीका से आया ऑस्ट्रेलिया से आया तो मुझे एक एम्ब्रॉडरी चाहिए बिल्कुल ऐसे मुझे मेरे साथ के लोग चाहिए यू नो एक फील आती है अब जब कैंपस लाइफ और जो छोटे छोटे कैंपस हैं उनमें फर्क ये होता है कि पूरी सिटी कवर हो जाती है अब ब्रिस्टल में और भी यूनिवर्सिटीज हैं सही है ठीक है तो एक यूनिवर्सिटी टाउन बन गया ठीक हो गया तो वहाँ पे आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है साइकोलॉजिकली की आप उनसे रिलेट कर सकते हो सही हो स्टूडेंट स्टूडेंट हर तरफ फैले हुए हैं सही हो गए और सिटी जो है अपने आपको उस तरह टर्न कर लेती है स्टूडेंट की नीड्स को मीट करने के लिए सोशियो इकनोमिक रीजन है

बहुत से बच्चों को ने सुना है कि उनको शुरू में ये लगता है कि जी ये कॉम्पिटेशन थोड़ी सी महंगी है बट अगर उनको अभी कंपैरिजन उन्होंने किया नहीं है लंदन से मैनचेस्टर से नहीं किया लंदन में बहुत महंगी कॉम्पिटिशन है एक्जैक्टली exactly. तो, लंदन में कॉम्पिटेशन बहुत महंगी है ब्रिस्टल का जो फीडबैक है सोफा जो मुझे मिला है वो यही है कि यहाँ पे अफोर्डेबल अकोमोडेशन है बिल्कुल है और प्लस जॉब्स यहाँ पर जो है ना एज कम्पेयर टू अदर सिटी जो वो ज्यादा अवेलेबल मिल जाती है बिल्कुल जियोग्राफिकली जो है ना वो थोड़ा सा अगर देखें इसको ब्रिस्टल को तो जो मेजर सिटीज हैं और लंडन से, से कितना डिस्टेंस है से बाय रोड अगर आगर 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 आप जाएं तो टू आवर्स हाईवे से ट्रेन में जितनी स्मूथ हाईवे आपको भी पता है आपको पता भी नहीं लगता है यूके में एक घंटे सवा घंटे का इतनी है एक्जैक्टली एक्जैक्टली exactly, exactly. और अगर आप ट्रेन से जाते हो वो भी अराउंड ढाई घंटे है बिकॉज ऑफ स्पीड लिमिट्स चीजें दूसरी बात जो सबसे बड़ी है में नहीं बहुत से अवेलेबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन रोड पे ट्रांस्पौर्टेशन यूनिवर्सिटी अच्छा। कार्ड अगर आप शो करते हैं तो आपको ट्रेन टिकट्स पे सही मिल जाता है आपको जो है रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट मिल जाता है ये है। बहुत सी चीजें हैं बाकी एक वाइब्रेंट सिटी है जिसने अगर स्टूडेंट लाइफ लाइफ कैंपस एंजॉय करनी है साथ उसने काम भी करना उसको 20 है उसको मैं अभी तक अगर आपको बताऊँ पर्सनल एक्सपीरियंस तो पिछले चार साल से हूँ मैं इस यूनिवर्सिटी के साथ मुझे अभी तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि उसने एफर्ट किया उसको काम नहीं उस मिला नहीं ये तो मुझे फीडबैक भी मिला ब्रिस्टल का ये फीडबैक तो मैं ऑन एयर कहता हूँ कि हर बच्चे ने मुझे बोला आप एफर्ट करेंगे तो है और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो अपने डिग्री के बाद जो है ना उन्होंने अपना वो शिफ्ट हुए हैं जॉब के ऊपर लेके अब अपने तो उस हवाले से तो है ना इसका अच्छा फीडबैक है ठीक अच्छा लोकेशन uh, की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कैंपस की भी बात उसके साथ ही अटैच होती है कैंपस uh, भी बड़ा अच्छा जो है ना कैंपस प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल व्हेन इट कम्स टू द डिग्री एजुकेशन आपने भी यू uh, के uh, से क्वालिफ़िकेशन हासिल की है आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो कैंपस है ना उसका कितना रोल है ओवरऑल uh, स्टूडेंट की लाइफ के अंदर जी क्या कुछ वहाँ सीखता है बच्चा कैंपस लाइफ से और जो जो फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं यूनिवर्सिटी लाइफ से उससे कितना जो है ना एक्सपोजर मिलता है तो यू डब्ल्यू ब्रिस्टल जो है ना वो कैसे सपोर्ट करती है फैसिलिटीज़ के ऊपर भी क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ बच्चों के लिए कैंपस लाइफ किस तरह की है यू डब्ल्यू ब्रिस्टल की इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें ज़रूर जी वन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे होंगे मैं वाले हैं जो भी गए हैं वो फ्रेंच ए कैंपस को जानते हैं सही है 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 और ये फेमस फेमस कैंपस कैंपस हालांकि वो है थ्री कैंपसाइड भी है फ्रेंच भी है और एक तीसरा कैंपस भी है जो थोड़ा कम यूज होता है वो स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए वो इसलिए फ्रेंच यूज होता है कि फ्रेंच में मेनली मुख्य डिपार्टमेंट्स हैं अभी हमने कैंपस की बात करें तो यूज कैंपस है और फिर डिवाइडेड है अभी सिर्फ हम फ्रेंच की बात अगर करें तो उसमें हर बिल्डिंग यानी लॉ की बिल्डिंग अलग है बिजनेस एंड मैनेजमेंट

हमें वेरी करता है एक्सपोजर एक बच्चा अगर लंग से पढ़ा तो उसने ये से देखी देखी है 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 पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस पढ़ा उसने बड़ी बड़ी पर है। है। एक बच्चा अगर किसी और कॉलेज से पढ़ा विदाउट टेकिंग एनी ने नेम्स जो कि एक कोठी के अंदर दो तीन कला कैंपस नहीं देखा फिर दूसरा तो उसको आइडिया ही नहीं है कि मैंने अवेल कैसे करना इन अपॉर्चुनिटीज को जो कि बड़ी चीप कॉस्ट मैं रेंट देख रहा था एक रैकेट का रेंट जो है फिफ्टी सेंट्स अच्छा। एक काम आप खेलें और को आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी ना लें अच्छा डिपार्टमेंट वहाँ पे रेंट आउट करें आपने वॉलीबॉल वाल खेलना है वॉलीबॉल फील्ड है और अगर आप चाहें तो आप क्रिकेट की वो पेश करवा सकते हैं हम क्रिकेट आपको पता खेलते हैं बहुत ज़्यादा ये जो स्पोर्ट्स का बेसिकली जो एलिमेंट है ना ये स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं exactly. तो इंडोर्स करता हूँ बच्चों को कि यार जो है ना इन्वॉल्व लासी हुआ करें आप पार्टिसिपेट लाजमी किया करें बिल्कुल और जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स सेंटर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके करियर को भी सपोर्ट करते हैं आपके सी को भी आपके मेंटल हेल्थ exactly. उसको भी, लाज़ भी किया करें। वो आपकी सीवी पे काम करते हैं exactly. वो प्ले करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है ना वो exactly. वहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ना वो रह भी सके और मनोवर भी कर सके अच्छा कामरान भाई अब बात करते हैं थोड़ी सी ना फी के ऊपर जी पाउंड जो है ना वो काफ़ी इंक्रीज़ कर चुका है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है अगर इसके ऊपर एक अलग से डिबेट हो सकती है तो? आ, लेकिन ओबियसली स्टूडेंट्स ने फीस पे करनी है पेरेंट्स ने फीस पे करनी है तो अच्छी खासी जो है ना एक अमाउंट पे करनी पड़ती है तो अब फीस के बारे में यू डब्ल्यू बिस्ल का क्या जो है ना वो स्टांस है कितनी फीस है और ऑन टॉप ऑफ दैट वी नो मैनी यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग सिक्स थाउजेंड पाउंड स्कॉलरशिप जी टेन थाउजेंड पाउंड ऑफ स्कॉलरशिप सही है

ने अब पिछले दो साल से जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है जो भी मामला सियासी थे उनमें उन्होंने ग्रांट रोक ली, रोक ली थी उससे अब यूके एजुकेशन सिस्टम कर रहा था अब उसका हल ये था उसका वर्न डाला था सीधा का सीधा का सारा इंटरेस्टेड स्टूडेंट इंटरस्टल स्टूडेंस गई के सब यूनिवर्सिटी ने इंक्रीज किया मॉडल नहीं था बैंक वाली हालत भी कई नो रेस्कूम गेटिंग बैंक तो उसमें हुआ की यूडब्ल्यू ब्रिस्टल ने बड़ा आराम से इंक्रीज किया है वो पंद्रह हजार आठ सौ पचास पाउंड है, है। जी uh, Undergrad. जो है इसका जो आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि क्योंकि जाहिर है मार्केटिंग स्टंट है ना मार्केट पाउंड देखेगा कोई तो वो है छह हजार छह हज़ार बीस हजार की स्कॉलरशिप बट जब उसे पूछेंगे कि आपकी फाइनल फी क्या है इसके बाद स्कॉलरशिप तो कहस हजार पाउंड उन्नीस हजार पाउंड अठारह हजार पाउंड अठारह हजार पाउंड हम तो बहुत पीछे उस स्लैब में यानी एक बड़ी रीजनेबल फी हम दे रहे हैं हमारे फी को मैच बहुत कम इंस्टीट्यूट है जो करते होंगे आपने वो फी स्लैब ही अपना उतना रखा हुआ है

अच्छा खैर जितनी भी फीस पंद्रह हज़ार चौदह हजार वैसे इस एरिए में आई बिलीव कि ये एक एवरेज और अफोर्डेबल फीस है अगर हम इस रीजन की बात करें अच्छा अब इसका ऑन बात करते हैं पेमेंट प्लान की इंस्टॉलमेंट प्लान की जी इसका पेमेंट प्लान क्या है इंस्टॉमेंट प्लान क्या है जो कि अक्सर बच्चों का कंसर्न होता है कि भाई पे कैसे करनी है फिर डिपॉजिट किया इनमेंट इंस्टॉलमेंट किया है

कोर्स वी ऑन लोग है जी वो यूनिवर्सिटी जो है वो करती है स्टूडेंट्स को वो फाइनेंशियल उन पर इतना नहीं डाल नहीं डालती उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट को एक फॉर्म फिल करके भेजते हैं और आप यूके में दो चीज़ें जो अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं वो ये है

Ten installments हजार तो तो पाउंडम जो उसका लोएसन है रौस, रौस बोल्मेशन, 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 आप टेन इंस्टॉलमेंट्स तक जा सकते हैं

एक थोड़ा एक चीज जो है वो पीजी के लिए है क्योंकि हमने पहले जैसे जिक्र किया आपसे कि वो तीन साल की डिग्री में जा रहा है बच्चा यूजी वाला तीन साल की डिग्री में जा रहा है पीजी वाला साल की पीजी वाला साल की डिग्री साल की डिग्री यहाँ इलेवन या नाइन मंथ जो रफली बन जाती है उसके ठीक है सेप्टेम्बर टू जून वो ठीक हो गया ठीक है अब यही पीरियड है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जाम से पहले फी जो है उसका चा। चार्जेस जो है रिकवर रिकवर करने करने अब उसमें जो हम ये करते हैं कि अब हमने ये शुरू किया कि बिकॉज डेट बहुत ज्यादा हो गया था अराउंड टू मिलियंस वीविट टचिंग अच्छा। अभी भी ज्यादा नहीं पचपन सौ पाउंड आपने यहाँ से दिया यहाँ से बर्डन नहीं आप। सही है आपकी वीजा फी है आपके बाकी खर्चे आप यूपी में पहुंचे फिर अगर आप सेम्बर में जा रहे हैं तो पंद्रह अक्टूबर तक आप तीन हजार पाउंडिट कर

Uh, है ना वो uh, पाकिस्तान से भी ले रही है, exactly. ले रही है। exactly. तो उसके मुकाबले में देखें तो इट्स uh, हमने किया था आपकी बात मेरे वाजिक पिछले साल हमने किया था ये पचासी सौ पाउंड कर दिया है तेकि मज़ी तेकि मज़ी

seventy five percent seventy percent marks seventy percent mark. mark. marks seventy percent marks है तो आपको जो undergraduate में दाख़ल मिलता है and equivalent to the A levels grade जितने A levels जी वो U के tariff points है tariff points है।, है वो इतने seventy to one twenty के वो one twenty करते हैं seventy to one twenty वो, 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 वो वेरी करते हैं

बी एनर्सनेजमेंट हाँ हाँ ये तो वाकई कोर्सिफाइड फॉर दॉनेसग्राउंड अच्छा मेंज भी करना चाहता हूँ अच्छा फिर भी जा सकता है डिजाइन ही ऐसे हुआ सही हो गया अच्छा इंग्लिश टेस्ट की बात कर लेते हैं इंग्लिस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो अब तो खैर यहाँ पर एक पूरा मेन्यू है इंटरनेशनल टेस्ट का पहले तो आयस होता था फिर पी आ गया ऑक्सफर्ड आ गया लैंगविज अब तो खैर एक पूरा एक मेन्यू मिलता है आपको कौन सा चूज़ करना है आप जी तो लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है वो बड़ी मैटर करती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ मीडियम ऑफिस सेक्शन लेटर भी जो है ना वो एक्सेप्ट करती हैं जी तो आपकी क्या पॉलिसी है इसके ऊपर इंग्लिश प्रोफेसरसी लेटर के ऊपर और इंग्लिश टेस्ट के ऊपर जी मैं पहले फिर एम ओ आई को डिस्कस ये फ्रॉम सेप्टेम्बर

जहाँ यूनिवर्सिटी में सही है बट जब हम आते हैं अंडर ग्रेजुएट भी सही लेट से मैंने जाना है एल एल बीस साल के एल एल बी में जाना है मैंने इंजीनियरिंग में जाना है और मैंने एफ एस सी की हुई है, है।, की हुई है।, है। मेरे एफ एस सी की इंग्लिश में मार्क्स है

ऑलमोस्ट सारे टेस्ट एक्सेप्ट कर चाहिए हैं तो ऑफ कोर्स टॉप ऑफ आइल्स टॉप ऑफ लाइन लिस्ट है टॉफल है टॉफल है ठीक है पीटी पीयरसन एकेडमिक सेंटर बेस्ड सेंटर बेस्ड नॉट ऑनलाइन सही हो गया ठीक है जी काइट टेस्ट है कैप्लन का कैप्लन का टेस्ट बिल्कुल है डुइंग लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं वी हैव रीजन टू टेक लैंग्वेज जो कि बड़ा सस्ता टेस्ट है एग्जैक्टली हां ऑक्सफोर्ड ई एक्सेप्ट करते हैं ऑक्सफोर्ड ने भी बहुत पॉपुलर टेस्ट हो गया है जी 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 दो तीन साल के एंड देयर कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैव रेज नाउ एग्जैक्टली एग्जैक्टली फिर हम करते हैं जी एक्सेप्ट लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक ऑनलाइन बेस्ड और नहीं है, है ना वो सेंटर तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है अच्छा टेस्ट की बात होगी रैंकिंग की बात होगी सारा कुछ हो गया आपके जो वैसे तो आपके कोर्सेज इंजीनियरिंग के बड़े फेमस है आपके बिजनेस का कोर्स बड़े फेमस है बट uh, आपके जो लॉ के कोर्सेज हैं वो कुछ ज़्यादा ही फेमस हैं जी और uh, हमारे यहाँ पर uh, कुछ फेमस uh, बैरिस्टर्स uh, हैं जो यू डब्ल्यू ब्रिस्टल से पढ़ आ के आ चुके हैं इवन के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग करंट एक जस्टिस भी हाई कोर्ट के हैं जो यू डब्ल्यू ब्रिस्टल से जो है ना वो पढ़ के आए हैं तो आपका लॉ का स्कूल इतना फेमस क्यों है ऐसे कौन कौन से कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं जो uh, बाकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर नहीं कर रही और कौन से ऐसे फेमस एलिमिनाइज हैं आपके पाकिस्तान में कोई एक दो नाम बताएं जो यू डब्ल्यू बिस्टर से ग्रेजुएट है

हमारी यूनिवर्सिटी है अब आप 130 प्लस यूनिवर्सिटी जहां द बोर्ड लॉ ऑफर होता है आप एल बार प्रैक्टिस ऑफर कर रहे हैं या सिर्फ बीटीसी ऑफर दोनों

ग्जाम। ग्जाम। अच्छा, आप एल एल एम एसक्यू वन ऑफर कर रहे हैं या सिंपल एसक्यून एसक्यू टू खाली एसक्यू भी ऑफर कर रहे हैं एसक्यून एस दो ये एक साल कालीस एसेंट्राइज एग्जाम देना है बट वो बहुत मुश्किल कोर्स है और exactly. आप एल लीगल प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं एन एल एम लीगल प्रैक्टिस एड ऑन हो सकता है

Uh, वाले है ना। क्योंकि नया नया कोर्स है ना वो हैं कि हमारा क्योंकि हाँ, ज़्यादा फेल रेशो ना हमारा फिर वो। बनेवाज उनके रूल्स के हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। है। बच्चा का है, हाँ, हाँ, पास वो तो

उसी के थे। इसके अलावा जिन्होंने काम किया है, अच्छा। जो पाकिस्तान में अब आके काम कर रहे हैं सी ईज है कंपनीज के उनका नाम नहीं याद आ रहा ठीक है क्यूँकी अगर आप अभी हम बेसिकली पंद्रह अक्टूबर को एक ऑनलाइन सेशन है ब्रिटिश काउंसिल का और गैड लिंक कामेशन है जो हमारे मोस्ट फेमस इलेमिनाइज हैं जो आपने बड़ा पूछे उन की डिटेल्स जो है

यूरोप भी रहे हैं बेल्जियम भी रहे हैं और आप यूके भी रहे हैं तो दोनों में से आपके फेवरेट कंट्री कौन सा है सर मैं अगर सही बात करूँ तो देखें हम देसी हैं हम ज़ाहिर पाकिस्तान से आए बेल्जियम में एक बिल्कुल ए... टे है आप भी गए हम भी गए मैनचेस्टर में पूरी एक स्ट्रीट है करी स्ट्रीट के करी स्ट्रीट के नाम से ठीक है पान मिल रहे हैं आपको मीठा हाँ ठीक है पान मिलती है और ये अक्रॉस है लंडन से शुरू हो जाए यार ही

स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट टू चूज़ यू डब्ल्यू ब्रिस्टल आप इस वीडियो को देख के काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या इसकी रैंकिंग है क्यों आपको यूनिवर्सिटी वेस्ट इंग को, uh, को चूज़ करना चाहिए क्या बेनिफिट्स है इसके लॉ के हवाले से uh, कामना साहब ने बताया कि दे आर वेरी फेमस इन द यू के अमंग पाकिस्तानी कम्यूनिटी इन पाकिस्तानी लॉयर्स और इसके साथ यू uh, जी वाले बच्चों के भी uh, आई एस के बगैर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं इफ़ देव अर्टन परसेंटेज इन दियर इंग्लिश कोर्स uh, इंटरमीडिएट uh, के अंदर और पी uh, वाले और ऑन टॉप ऑफ एवरी थिंग टेन इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो इज़ वेरी अफोर्डेबल फॉर एवरी स्टूडेंट के वो इजीली जो है ना अपनी स्टडी को जो है ना फंड कर सकता है अगर आप यू डब्ल्यू ब्रिजल में अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली लॉग ऑन टू आई डी डॉट पी के स्लैश अप्लाई और यू कैन विजिट टू आवर नियस्ट ब्रांच और यू कैन कॉल टू आवर यू नंबर जो कि इस वीडियो के नीचे आपको उसका नंबर मिल जाएगा यू का अगर आपका कोई तो क्वेश्चन यू डब्ल्यू बिस्टर के बारे में है तो सिंपली कामेंट ऑन दिस वीडियो एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज को क्लीयर एज़ पॉसिबल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लास्ट लास्टली सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच्ला हाफि